प्यारे विद्यार्थियों, श्याम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 17.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था 17.2। आज क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 8वां। देखें, ये 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम एक बार समझाते हैं, ध्यान समझें। इसमें माध पहले से दिया है, ये 17.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो माद दिया है 1.46। तब x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y क्या है? अज्ञात है। इस तरह से ये टेबल दी गई है, अक्स f की वैल्यू दी है और fx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अक्स के ये मान दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और f का 46, अक्स y या डॉट 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 लिखा है, तो डॉट डॉट की जगह हमने क्या मान लिया? अक्स और y मान लिए ये दोनों, कुछ और भी माने जा सकते हैं। तो 46 अक्स y, 25 10 और 5 इनका गुणा किया, 0, 46, 0, 1 का अक्स में 1 x, 2 y, 25, 3, 75, 10, 40 और 50, 25। इन सब का योग पहले से ही दिया है 200। इन सब का योग हमने ज्ञात किया है, तो योग करने में इसे और इसे छोड़ दो क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं। 0, 75, 40 और 25 जुड़ेंगे तो आएगा 140 प्लस अक्स प्लस 2y। यहाँ करते हैं क्योंकि ये संख्या नहीं, इसलिए संख्या हम नहीं जुड़ते हैं। ऐसे ही सिग्मा एफ पहले से 200 दिया है, जबकि सिग्मा एफ होता क्या है? सिग्मा एफ होता है इन सब का योग, तो इन सब का योग हमने किया तो इसमें ये और ये नहीं जुड़ेगा। 46, 25, 10 और 5 जोड़ा तो कितना आया? 46 अक्स प्लस 22 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। ये सब जोड़े बराबर 200। तो 46, 25, 10 और 5 जोड़ा तो कितना आया? 86 और एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दिया। 86 को उधर पक्षांतर कर दिया, 200 में से 86 गया तो 114। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब अक्स बार का फॉर्मूला हमने बताया था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अक्स बार का मान दिया है 1.46, सवाल में पहले से दिया है सिग्मा एफ एक्स ये रहा और सिग्मा एफ का मान 200 पहले से ही दिया है। तो इधर वज्रगुणन किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 292 आ गए, 140 को इधर ले आए, 20 से पॉइंट हट जाएगा और 2 का 146 में गुणा करोगे 292। 140 इधर ले आए, एक्स प्लस 2y बराबर कितना गया? 152। इसमें से घटा दिया 152। अब नाइन्थ में विलोपन विधि थी समीकरण को सॉल्व करने की, तो समीकरण 1 और 2 हैं, 2 में से 1 को घटा, समीकरण 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। विलोपन विधि से ये माइनस करके चिन्ह बदल दिए और ये कट गया, 2y में से y गया y और 152 में से 114 गए, तो 38। y का मान समीकरण नंबर 1 में डाल दिया, x प्लस y बराबर 114 समीकरण 1 है, x प्लस y का मान 38, 38 को उधर ले जाके घटा दिया, 114 में से 38 जाएगा तो कितने बचेंगे? 76। इसको बार बार समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। इतने क्वेश्चन थे, लास्ट 8वां सवाल था। अगली एक्सरसाइज में जो पिछला फॉर्मूला वही लगाया जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसके आज हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ घर से करने हैं। तो एक्सरसाइज देखें 17.3, इसका पहला क्वेश्चन। अब तक 3 कॉलम बनते थे, अब कॉलम कितने बनाए जाएंगे? 4। 4 क्यों बनेंगे हम बताते हैं। यहाँ पर एक कॉलम वर्ग अंतराल का और दिया जाएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से हमें x निकालना पड़ेगा, f दिया जाएगा और फिर fx। ये कॉलम एक नया दिया जाएगा। देखें पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन दिया है 0, 10, 10, 20, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 40 से 50, इतने दिए हैं। इस तरह से ये कॉलम एक एक्स्ट्रा दिया है, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। और बारंबारता दी है 9, 12, 15, 10, 14, 9, 12, 15, 10, 14। ये दो कॉलम दिए गए हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा, फिर इसका कोई काम नहीं है। पिछली एक्सरसाइज की तरह इसका इसमें गुणा करेंगे, एफ एक्स बन जाएगा। तो इससे ये कैसे निकलता है, ध्यान से समझें। ये निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि 0 में 10 जोड़ें तो 10 हो जाएंगे, 10 के आधे कर दें तो 5, 20 में 10 जोड़ें 30 और 30 के आधे कर दें तो 15, 30 और 20 50, 50 के आधे करें तो 25, 30 40 70, 70 के आधे 35 और 50 40 90 के आधे 45। वैसे स्टार्टिंग में 2 निकालें फिर अंतर है, 5, 15, 5, 15, 25, 35, 45, समझ गए ना? इन दोनों को जोड़ना और आधा करके यहाँ लिख देना, इसका काम खत्म हुआ। अब इसका इसमें गुणा हमें कर देना है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखें कितना आएगा गुणा इसका, तो 5 × 9 = 45 आएगा। 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 180 आएगा, 15 का गुणा 25 में करेंगे तो 375 आएगा,
और 35 का 10 में करेंगे तो 350 आएगा, और 14 का 45 में करेंगे तो 630 आएगा। हमें इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई वही पुराना फॉर्मूला सिग्मा एफ निकालना है, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 और सिग्मा एफ एक्स, अगर इन सबको जोड़ेंगे सही से जोड़ेंगे तो इसका आएगा 1580। तो सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया, पुराना फॉर्मूला वही लगाना है, एक्स बार बराबर कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स दिया है 1580 और सिग्मा एफ दिया है 60, जीरो से जीरो काटेंगे और 158 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 26.33। ये इसका समांतर माध्य हो गया, पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। एक क्वेश्चन और हम समझाएंगे, इसको ध्यान समझें, वर्गंतराल दिया जाएगा और एफ दिया जाएगा, इसका कैसे निकालना है, 0 10 इन दोनों को जोड़ें आधा करें 5, 10 और 20 30 के आधे 15, 20 30 50 के आधे 25, 30 40 70 के आधे 35, 40 50 90 के आधे 45, फिर इसका इसमें गुणा करना, पुरानी प्रक्रिया पूरी है और वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए इसका हमने कोई कंसेप्ट हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका सेकंड क्वेश्चन और देखें, और आज घर के लिए दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सॉल्व करने हैं, उनके आंसर लिख देंगे, आंसर सही विद्यार्थियों को मिलाने हैं। एक सेकंड क्वेश्चन और देखें, कॉलम इसमें भी चार ही बनाने हैं, तो पहला क्या है वर्गंतराल, दूसरा अक्ष, तीसरा एफ और चौथा क्या है एफ एक्स। तो इसमें वर्गंतराल क्या दिया है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, इतना दिया है, और एफ दिया है 6 8 10 9, 6 8 10 9 7, 6 8 10 9 7। अक्ष कैसे निकालेंगे, 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 क्या दे 3, 6 और 12 6 18 क्या दे 9, 12 18 30 क्या दे 15, तो इनमें अंतर है 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21 और 21 6 27, वैसे करेंगे तो वही आएगा 24 और 30 54, 54 क्या दे 27, इस तरह से ये आधे करके ही आते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका इसमें गुणा करो, 6 3 18, 9 8 72, 15 2 150, 9 1 9, 9 2 18, 189, 7 2 49, और 7 2 14 18, 189। इस तरह से इसका सिग्मा एफ निकालना है, ये होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ आएगा 40, और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स करना, इन सब का योग करना है, तो ये हमारा कितना आएगा 618। और अभी फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 618 और सिग्मा एफ का मान कितना है 40। तो इसका भाग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 0 का भाग लगाने का मतलब है 0.1 अंक बाद लगा दिया जाता है, अब 4 का लगा देंगे भाग, 61.8 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 15.45, 15.45। अभी कुछ हम समझाया था बिल्कुल उसी की तरह है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और इसके हमने दो क्वेश्चन बता दिए हैं, पिछली एक्सरसाइज में अंतर क्या है कि और वर्गंतराल दिया जाएगा, इससे एक्स बनाना और एफ पहले से दिया जाएगा, इनका गुणा करना, और पिछली एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन खूब सारे दिए हैं, लेकिन आज हम दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, और कल इसकी एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये होमवर्क है और ये घर से करना है, इसका आंसर हम तुम्हें बता देंगे, वो तुम्हें सॉल्व करके निकालना है। इसमें दो ही कॉलम दिए जाते हैं, एक वर्गंतराल दिया जाएगा और एक अक्ष तुम्हें खुद निकालना है, और एफ बता देते हैं। वर्गंतराल इसमें दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, और 160 से 180, और 180 से 200, ये वर्गंतराल है। और एफ कितना दिया है कि 10 20 20 15 5 20 15 5, ये एफ दिया है। तो इससे एक्स निकालोगे अपने आप, कैसे निकालना है, 100 120 जोड़ेंगे आधे करेंगे, इस तरह से ये एफ बन जाएगा, और यहाँ पर कॉलम किसका बनाना है, एक एफ एक्स का कॉलम बना लेना है, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर मिलाना है। इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ साइड में लिख देते हैं, नहीं आया तो शाम तक बताना कि सर नहीं मिला है, तो कल इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 145.71, 145.7 तक मिल जाए, एक ना मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, 145 आना चाहिए। इस तरह से ये सॉल्व करना है,
वीडियो इतना ही आज।